भारतीय महिला बैंक अब एक सिर्फ बैंक नहीं रह गया, ये एक सक्सेस स्टोरी बन चुका है। भारतीय महिला बैंक को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। भारतीय महिला बैंक की सक्सेस के पीछे जिस किसी को क्रेडिट जाता है वो है उषा अनंत सुब्रमण्यम। मैम थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन डीडी न्यूज। ये हर कोई मान चुका है अब कि जो भारतीय महिला बैंक है वो एक सक्सेस स्टोरी है और उसके पीछे किसी को क्रेडिट देना चाहिए तो वो है उषा अनंत सुब्रमण्यम। लेकिन मैं एक चीज समझना चाहूंगा कि आपकी सक्सेस के पीछे आप किसको श्रेय देती हैं? आई वुड गिव, मेरी टीम है मेरे पीछे, वो मेरा स्ट्रेंथ है। दैट्स आई वुड से द सीक्रेट ऑफ, आई मीन इफ वी कैन, इट्स टू अर्ली टू से, बट इफ इट्स अ सक्सेस, यस माय टीम इज बिहाइंड मी। 3.5 महीनों के अंदर ही लगभग इस बैंक ने दिन दुनिया और रात चौगुनी तरक्की की है। अब तक का सफर किस तरह करा है भारतीय महिला बैंक का? वी स्टार्टेड ऑफ विद 7 ब्रांचेस डे 1 पे, ऐसे तो कंटिन्यूस वी आर हैविंग इन मार्च 16 ब्रांचेस टू बी इनॉग्रेटेड। कितने और बैंक ब्रांचेस खोलने की आपका इस समय पर स्ट्रेटजी रहेगा? नहीं, अभी तो मार्च तक हम 25 का कोशिश है, उसके बाद हम 14-15 का एक प्लान रखे हैं। उनमें हम लोग अभी Tier 2, Tier 3 सिटीज़ और रूरल एंड बैंक सेंटर्स, दूर दूर का शहरों में, गांवों में पहुंच के हमारा शाखा शुरुआत करने के लिए प्लान है। एक चीज़ मैं भी आपको बताना चाहूँगा उषा जी, कि दूरदर्शन न्यूज़ फाइनेंशियल लिटरेसी का एक सेगमेंट अब शुरू कर चुका है जिसका नाम है बिजनेस मॉर्निंग। इसमें हम यही कोशिश करते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा दिया जाए। आपकी एक ओपिनियन लेना चाहूँगा कि फाइनेंशियल लिटरेसी कितना इंपॉर्टेंट होगा जो वुमेन स्पेसिफिकली, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, बैंक से जोड़ने के लिए? एक्चुअली फाइनेंशियल लिटरेसी इज आई वुड से ए फाउंडेशन है, यही तो बेसिस है। आपको यू नो यू हैव टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन लाइफ, फाइनेंशियल लिटरेसी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। लिटरेसी इज, वी हैव टू गो बियॉन्ड लिटरेसी इन टर्म्स ऑफ आवर लाइव्स, इट हैज़ टू बी नाउ एजुकेशन। उषा जी एक चीज़ समझना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि महिलाएं शाय होती हैं, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि आप एक महिला भी हैं और आप एक सक्सेसफुल बैंकर भी हैं, किस तरह से बैलेंस कर पाती हैं दोनों चीज़ों को आप? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव वर्क लाइफ बैलेंस, नहीं तो यू गेट बर्नट आउट। ये पूरा का पूरा है, उसका आपका जो भी एनर्जी है, ऊर्जा है, वो बर्न आउट हो जाता है। तो इट इज़ मस्ट, ये तो ज़रूरी है। लेकिन आज सभी लोग एक दो डायमेंशन का बात करते हैं, यू आर अ सक्सेसफुल यू नो होम मेकर, यू आर अ सक्सेसफुल वट एवर इन योर ऑफिस लाइफ, लेकिन मैं तो एक थर्ड डायमेंशन ढूंढती हूँ, वो तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट। जो पर्सनल इंटरेस्ट है दैट बिकम्स द थर्ड डायमेंशन। आप खाली समय में क्या करना पसंद करती हैं? मैं तो बुक्स पढ़ती हूँ ज़्यादा सर, और मैं आई बीन ट्रेन म्यूजिशियन। उषा जी आपने कहा कि आप गाना गाना भी पसंद करती हैं, जो कितने आपके चाहने वाले हैं वो ये भी, आपका एक ये वाला रूप भी देखना चाहेंगे, अगर थोड़ा सा गुनगुना दें आप हमारे लिए। उषा जी आज वैश्विक मोर्चे पर कितनी जो लीडर्स हैं बेसिकली महिलाएं हैं, चाहे आप ICICI की मुखिया की बात कर ले, SBI की जो चीफ है उनकी बात कर ले वो महिला हैं, HSBC की चीफ वो महिला हैं, आप भी एक महिला हैं, क्या आपको लगता है कि जो महिला, ये जो ये युग आ रहा है इस समय पे, महिला लीडरशिप लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है और एक सक्षम लीडर भी है महिला आज की? नहीं, इट्स अ वेरी गुड साइन, अब ज़्यादा महिलाओं को देख रहे हैं वो बैंकिंग क्षेत्र में। मुझे लगता है ये पाइपलाइन हैज़ टू बी कंटिन्यूस, एक ऐसे एक साल का या 5 साल का नहीं हो सकता है। तो इसके लिए महिलाओं को जनरल मैनेजर लेवल तक तैयार करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बैंक मैनेजमेंट्स शुड गिव यू नो फोकस ऑन ए डाइवर्सिटी मैनेजमेंट। आखिरी में एक चीज़ समझना चाहूँगा उषा जी आपसे, आपका विजन क्या कुछ है महिलाओं को लेकर के, इस बैंक को लेकर के और आपके पर्सनल करियर को लेकर? मुझे ये है आशा, ये है ए बैंक के माध्यम से कितने लोग को हम लाइफ में इम्प्रूवमेंट, उनकी सशक्तिकरण कर सकते हैं, कितना महिलाओं को कर सकते हैं। शुक्रिया उषा जी, आपने डीडी न्यूज़ पर हमसे चर्चा की। तो उषा जी जो साफ तौर पर कह रही है कि उनका विजन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को वो बैंकिंग सर्विस से जोड़ना चाहेंगी, उन्हें जान करके तो यही लगता है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कैमरा पर्सन जयश्री के साथ अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज़।